हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक है ग्राफ। ग्राफ टॉपिक नहीं है कि हम कैसे ग्राफ बनाते हैं, या ये बीएससी में जो ग्राफ टॉपिक आता है वो आता है अपने 20 नंबर्स का आता है, वो पढ़ना है। सबसे पहले ग्राफ ग्राफ कहते किसे हैं। माना बी एक कोई एरेक्ट समुच्चय है तथा ई वी के अवयवों को संबंध करने वाले युग्मों का समुच्चय है। मतलब कि यहाँ कोई वी एक एरेक्ट समुच्चय होगा तथा ई जो होगा वो ऐसे होगा, वो ऐसे वी वी बराबर होगा कोई वी वन वी टू डॉट वी एन कोई एरेक्ट समुच्चय होगा, और जो ई जो होगा वो इस तरह से होगा, मतलब ई बराबर होगा ई वन ई टू डॉट 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 ई एन। ये ई एन भी हो सकता है या ई एम कुछ भी हो सकता है, एम तक हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। ये इस तरह से होगा, जैसे वी एंड वी वन ऐसे दो पॉइंट है तो इनको दो मिलाने वाले को जैसे ई वन नाम दिया हुआ हो, या फिर वी टू हो या वी थ्री हो, इन दोनों को मिलाने वाले को वी टू दिया हो, इन दोनों मिला ई टू सॉरी ई टू दिया हो, इन दोनों को मिलाने को ई थ्री दिया हो सकता है। इसी तरह यहाँ से अलग दे के ई फोर दिया हो, इसको दे के ई फाइव दिया हो, कितने भी हो सकते हैं। मतलब कि दो कोरों को मिलाने वाले कितने, दो बिंदुओं को मिलाने वाले कितने भी कोर होते हैं, जहाँ वी शीर्षों का समुच्चय है, जहाँ वी तो इन शीर्षों का समुच्चय है, ये दो तीन जो शीर्ष होंगे, और ई शीर्षों को संबंध करने वाले कोरों का समुच्चय है। ई शीर्षों को जैसे यहाँ से यहाँ ये ई वन मिला रहा है, यहाँ हो सकता है कुछ ई फाइव हो, ई फोर हम यहाँ ले सकें ले चुके हैं, ई सिक्स हो, इसी तरह से इन दोनों को मिलाने वाले इस तरह कितने भी हो सकते हैं। मतलब दो कोरों को, दो शीर्षों को मिलाने वाले कितनी भी कोरें हो सकती हैं। अभी हमने एग्जांपल भी लिया हुआ है, एग्जांपल लिया हुआ है जैसे कि वी है, वी वन है, ई जो इसको मिलाने वाला, वी को वी वन से मिलाने वाला ई वन दे दिया हमने, यहाँ पे वी टू एंड वी थ्री को मिलाने वाले को ई टू दे दिया, वी और जो वी टू और वी थ्री को दूसरी तरफ से ये मिला रहा है इसको ई थ्री दे दिया, और वी वन को वी वन से मिला रहा है एक लूप बना के, उसको हमने वी वन दे दिया। अब यहाँ जैसे V बराबर क्या आ गया अपने पास, V आ गया V1, V2, V3, E बराबर आ गया अपने पास E1, E2, E3, E4, जितने भी कोड थे वो आ गए अपने पास। अब फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आगे लिखा हुआ है जहाँ V, V1 तथा V2 को के बीच कोर E1 है तथा E4 एक लूप है, E4 यानी कि ये एक लूप है, तथा E2 तथा E3 समांतर कोर हैं। E2 ये जैसे ये E2 है और ये E3 है, ये समांतर कोर है। समांतर कोरों का मतलब ये नहीं है पर यहाँ पे कि ये पैरेलल चलेंगी फ्रेंड्स। इसका समांतर कोरों का मतलब है कि वो अगर कोई दो कोर समांतर हैं तो इसका मतलब है कि दोनों कोर दो समान शीर्षों को मिला रही होंगी। अब ग्राफ के कुछ डेफिनेशन होते हैं, ग्राफ के कुछ पार्ट होते हैं, वो कौन कौन से ग्राफ होते हैं वो पढ़ते हैं हम। सबसे पहले आता है सरल ग्राफ, सिंपल ग्राफ। सरल ग्राफ जो होता है वो होता है समांतर कोर तथा लूपों से युक्त मुक्त ग्राफ, मतलब समांतर कोर मतलब लूपों से मुक्त ग्राफ जो ग्राफ होता है वो सरल ग्राफ कहलाता है। मतलब ऐसा ग्राफ जिसमें ये लूप नहीं होंगी या ये समांतर कोर नहीं होंगे, सिंपली होगा तो उसमें इस तरह से होंगे जैसे ये वी वन को वी वन वी टू तो ई वन से मिला रहा है, ये इधर यहाँ जैसे वी थ्री है तो यहाँ मिला रहा है ई टू, यहाँ मिला रहा है ई थ्री, लेकिन यहाँ पे कोई भी या तो लूप नहीं होगा जैसे इसको इससे मिलाने वाला नहीं होगा, या कोई समांतर कोर नहीं होगा, मतलब बी वन को बी टू से मिलाने वाला ई टू के अलावा कोई भी कोर नहीं होगी, सरल ग्राफ कहलाता है। और इसके बाद आता है अपने पास मल्टीग्राफ। मल्टीग्राफ होता है, मल्टीग्राफ समांतर कोर हो परंतु लूप ना हो, मतलब ऐसा कोई ग्राफ जिसमें समांतर कोर तो होंगी। अब जैसे अपने पास ये अपना पुराना एग्जाम्पल है, उसमें हम समांतर कोर तो होंगी, इसमें मतलब E2 के समांतर कोई हम E3 होगी, इसके समांतर ये E3 कोई कोर होगी, लेकिन इसके पास E4 मतलब कोई लूप नहीं होगा, बस ये होगा। उसके बाद आता है अपने पास छदम ग्राफ, उसके बाद आता है अपने पास ये आता है छदम ग्राफ। छदम ग्राफ होता है जिसमें लूप और समांतर कोर दोनों हो, मतलब ऐसा ग्राफ जिसमें लूप एवं समांतर कोर दोनों होंगे। जैसे हम उसका एग्जांपल ये है अपने पास, हमने जो सबसे पहले लिया था वो छदम ग्राफ है, जिसमें ये समांतर कोर भी हैं, लूप भी हैं, समांतर कोर, ये होगा छदम ग्राफ। उसके बाद आता है अपने पास परिमित एवं अपरिमित ग्राफ।
फ्रेंड्स, परिमित ग्राफ क्या कहते हैं, परिमित ग्राफ जो होते हैं वो परिमित ग्राफ होते हैं, जिसमें परिमित ग्राफ वो होंगे ऐसे ग्राफ जिनमें जैसे कोई ग्राफ, इसकी डेफिनेशन अपने पास, ग्राफ जी भी परिमित ग्राफ कहलाता है यदि और केवल यदि इसमें ई तथा वी दोनों परिमित हो, मतलब कि जिसमें कोर भी परिमित होंगी और जो सीड्स होंगे ना वो भी परिमित होंगे। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ अपरिमित हो जाती है, जैसे या तो ई अपरिमित हो जाता है या वी जो कि सीड्स हैं वो अपरिमित हो जाते हैं, तो ऐसा ग्राफ अपरिमित ग्राफ कहलाएगा। फ्रेंड्स, अब आते हैं हम रिक्त ग्राफ पे। रिक्त ग्राफ किसे कहते हैं? ऐसा ग्राफ जिसमें कोरों की संख्या जीरो हो, मतलब ऐसे ग्राफ जिसमें कोर होंगे वो जीरो होंगे, मतलब ऐसे ग्राफ होगा वो अपने पास, यहाँ वी वन है, यहाँ वी टू है, यहाँ वी थ्री है, वी वन वी टू वी थ्री, लेकिन इनके पास कोई भी कोर नहीं होंगे, मतलब वी वन को वी टू से कोई मिलाने वाले कोई वी वन को वी टू से मिलाने वाली कोई कोर नहीं होगी, वी टू को वी थ्री से मिलाने वाली कोई कोर नहीं होगी, ऐसा ग्राफ होता है वो रिक्त ग्राफ कहलाता है। उसके बाद आता है अपने पास निलंबी शीर्ष। निलंबी शीर्ष किसे कहते हैं फ्रेंड्स? निलंबी शीर्ष क्या होता है? निलंबी शीर्ष होता है मतलब ग्राफ, कोई ग्राफ है अपने पास जी वी ई, कोई ग्राफ है, ये कोई ग्राफ दिया हुआ है अपने पास, ये ग्राफ है, इसमें कोई ऐसा शीर्ष होगा, मतलब ग्राफ में ऐसा शीर्ष जिसकी कोटि एक हो निलंबी शीर्ष कहलाता है। निलंबी शीर्ष कहलाता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें किसी ग्राफ में किसी शीर्ष से हम कोटि कैसे ज्ञात करते हैं? अब इसको हम जैसे हमने इसकी कोटि के अकॉर्डिंग डेफिनेशन दी है, अगर हम इसकी डेफिनेशन इससे भी दे सकते थे, ऐसा कोई भी शीर्ष होगा जिस पे केवल एक ही भुजा आ रही होगी, एक ही भुजा जा रही होगी, मतलब यहाँ पे हम दृष्ट ग्राफ नहीं पढ़ रहे, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं है, तो उस पर केवल एक ही ग्राफ होगी, एक ही कोई कोर होगी उस पॉइंट पे, दूसरी कोई कोर नहीं होगी, तो ऐसा ग्राफ जो होगा वो निलंबी शीर्ष, ऐसा जो पॉइंट होगा वो निलंबी शीर्ष होगा। जैसे ये वी वन वी टू ये वी थ्री है, इस तरह से ये ग्राफ है, ई वन है, ई टू है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे वी थ्री के पास केवल एक ही कोर है, मतलब इसकी कोटि एक है, एक ही रेखा आ रही है, तो ये हो गया इसकी जो कोटि हो गई, वो कोटि हो गई इसकी वन, तो ये निलंबी शीर्ष है। इसी तरह इसकी भी कोटि वन है, तो ये निलंबी शीर्ष है। फ्रेंड्स, अगर ये लूप हो जाता तो ये इसकी कोटि दो हो जाती, इसकी कोटि दो तीन हो जाती सॉरी तीन हो जाती वन टू थ्री, इसकी कोटि तीन हो जाती, तो ये निलंबी शीर्ष नहीं रह पाता। अब उसके बाद आते हैं अपने पास फ्रेंड्स व्युक्त शीर्ष। फ्रेंड्स, व्युक्त शीर्ष क्या होता है ये पढ़ने के लिए हम व्युक्त शीर्ष जो होता है वो होता है अपने पास, यदि किसी ग्राफ में कोई ऐसा बिंदु हो जिस पर कोई भी, मतलब ग्राफ में कोई भी ऐसा बिंदु हो जिस पर कोई भी कोण नहीं हो, तो वो ग्राफ होता है वो व्युक्त शीर्ष होता है, वो जो शीर्ष होता है। अब व्युक्त शीर्ष जैसे ये वी वन है, ये वी टू है, ये वी थ्री है, ये मिला दिया इसको हमने ये, और यहाँ पे कोई शीर्ष है वी फोर, ये शीर्ष है कोई, तो जो ये शीर्ष है ना वी फोर, जो ये शीर्ष है वी फोर, ये व्युक्त शीर्ष है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इसकी जो कोटि है वो जीरो है, हम ये कह सकते हैं कोटि जीरो है, या हम ये कह सकते हैं इस पर कोई भी कोर नहीं आ रही है, कोई भी कोर ना इस पर आ रही है ना इससे जा रही है, तो ये हो गया अपने पास व्युक्त शीर्ष। फ्रेंड्स, उसके बाद आता है अपने पास सम एवं विषम शीर्ष। फ्रेंड्स, सम एवं विषम शीर्ष किसे कहते हैं? फ्रेंड्स, सम एवं विषम शीर्ष किसे कहते हैं? सम शीर्ष ऐसे शीर्ष जिसपे अपनी जिसकी कोटि सम हो, ऐसे शीर्ष जिनकी कोटि सम हो, मतलब कोई भी ऐसा शीर्ष होगा, जैसे ये ग्राफ ले लेते हैं, यहाँ V1 है, यहाँ V2 है, V3 है,
इसकी कोटि क्या है फ्रेंड्स, 1 है, इसकी कोटि क्या है 2 है, इसकी कोटि क्या है 3, तो इसमें सम शीर्ष वाला जो सम शीर्ष है ये है V2। इसी तरह ऐसा शीर्ष जिसकी कोटि विषम हो उसे विषम शीर्ष वाला कहते हैं। यहाँ पर जैसे इसकी है ये विषम शीर्ष है, ये विषम शीर्ष है, विषम शीर्ष और ये सम शीर्ष, इस तरह हम देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब इसके बाद हम एक थ्योरम लेते हैं, वो थ्योरम है किसी ग्राफ में उसके शीर्षों की संख्या की कोटि का योगफल ग्राफ के उपकोरों की संख्या के दोगुने होता है। फ्रेंड्स ये कह रहा है कि मतलब कोई अपने पास कोई ग्राफ है तो उसमें जो शीर्षों की संख्या होगी ना, टोटल जो कोई भी पॉइंट होगा उसके शीर्षों की संख्या, दूसरे पॉइंट के शीर्षों की संख्या का हम अगर योगफल निकालें तो वो होगा अपने पास जो कि ग्राफ होगा उसमें जितने भी कोर होंगे ना उसके दोगुना होगा। अब फिर इसको हम प्रूफ करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं है। हम जैसे हम ग्राफ पढ़ रहे थे तो उसमें ग्राफ में हम सिंपली देख रहे थे कि हर कोई जैसे ये ग्राफ था, ये ग्राफ है, जैसे इसको हम पहले हम समझ लेते हैं, जैसे V1 ये कोई ग्राफ है, V1 V2 V3, अब इसमें कोर हैं 1 E1 E2, अब यहाँ पे कोर 2 हैं E1 E2, हर कोर जो प्रत्येक कोर है E1 कितने सीट्स प्रदान कर रही है, यहाँ पे एक यहाँ पे प्रदान कर रही है, एक यहाँ पे प्रदान कर रही है, दो कर रही है। जैसे E2 है ये कितने कोर को सीट्स प्रदान कर रही है, यहाँ पे E1 पर एक प्रदान कर रही है यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये कितने टोटल सीट्स कितने हो गए, 1 सीट्स, इसके 2 सीट्स और इसके 1, टोटल हो गए 4, और कोर कितने है 2। इसी तरह हम 3 वालों के लिए आगे वालों के लिए कर सकते हैं। अब इसको हम प्रूफ करने के लिए हम इसमें क्या लिख सकते हैं वो देखते हैं। इसे प्रूफ में लिख सकते हैं, माना ग्राफ है GVE है जिसमें कोरों की संख्या E है। अब तब हम जानते हैं कि कोई भी कोर दो शीर्ष किसी भी कोर के दो शीर्ष आदि एवं अंत है, मतलब कोई भी कोर होगा कहीं से स्टार्ट होगी उसका कहीं अंत होगा, आदि व अंत जो शीर्ष होंगे प्रदान करती है। अतः प्रत्येक कोर ग्राफ में दो शीर्ष प्रदान करेगी। शीर्ष की कोटि जो होगी वो दो कोटि प्रदान करेगी। अतः ग्राफ की कोरों की संख्या उसके शीर्षों की संख्या के शीर्ष की संख्या ई होने पर, शीर्षों की संख्या ई है तो होने पर ग्राफ की डिग्री का योग ई होगा। ये हमें प्रूव करना था फ्रेंड्स, ये प्रूव हो गया। अब इसमें हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ ये प्रूव किया है कि कोई भी जो कोर होती है वो हमेशा ग्राफ को दो कोटि प्रदान करती है। अब हर कोर दो कोटि प्रदान करे तो ई कोटि होने पर वो 2E कोटि प्रदान करेगी, बस ये हमने प्रूव किया है इसमें। अब फ्रेंड्स हम एक और थ्योरम लेते हैं,
ये थ्योरम है। मानस जीवी जो राजस्थान यूनिवर्सिटी 10 में भी आया, 6 में आया, 2008 में आया है। अब ये को ये जो अपना क्वेश्चन है ये इस तरह से है, मानस जीवी विषम कोटि के शीर्षों की संख्या, मानस जीवी कोई ग्राफ है, ग्राफ जीवी में, मानस जीव ग्राफ जीवी में विषम कोटियों की शीर्षों की संख्या सदैव सम होती है। ये इस तरह से दिया है कि कोई ग्राफ है अपने पास जीवी, उसमें जैसे विषम कोटि के कितने भी शीर्ष हो सकते हैं, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, मतलब जो जिनकी डिग्री विषम है उनकी संख्या हमेशा सम होगी। ये निकालना है, इसको हम प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए फ्रेंड्स हमने माना कोई ग्राफ जी बी है, माना हमने कोई ग्राफ मान लिया जो ग्राफ है जी बी, जिसमें कोरों की संख्या ई है। और हम जानते हैं, हम पहले थ्योरम से हमने ये पढ़ा था कि कोई भी ग्राफ जी जिसमें ई कोर हो तो उसमें हमें शीर्षों की संख्या टू ई होगी, टू ई होगी तो उससे मतलब सम होंगी। अब हम इसमें इस तरह से कर सकते हैं, ये लिख दिया डिग्री ऑफ वी बराबर टू ई हमने लिख दिया, क्योंकि ई जहाँ कोरों की संख्या है तो हर कोर 2 डिग्री प्रदान कर रही है, तो ये टू ई हो गई। और समीकरण एक है जो उसको हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं, डिग्री वी वन प्लस डिग्री वी टू बराबर टू ई। जहाँ आपके पास वी वन है ना, वो वी वन अपने पास सम कोटि वाले शीर्षों की संख्या है, जो ऐसे शीर्ष जिनकी कोटि सम है उनका जो योगफल लिया है वो ले लिया हमने, और जब वी टू है वो हमने ले लिया विषम कोटि वालों के लिए। अब फ्रेंड्स हमने डिग्री वी टू निकालना है, डिग्री वी टू निकालना है तो हमें डिग्री वी वन ये कह दिया, डिग्री वी टू बराबर टू ई माइनस डिग्री वी वन, वी वन बिलोंग्स टू ई। अब जैसे ये टू ई ये कोई सम संख्या है और डिग्री वी वन ये भी कोई सम संख्या है। अब फ्रेंड्स हम जानते हैं जैसे कि अगर वी कोई सम संख्या में से सम संख्या घटाए, मतलब कोई कोई सम संख्या मतलब इवन संख्या है, इवन संख्या में से इवन संख्या घटाए तो हमेशा इवन ही संख्या आती है। अब चूंकि बी टू में अब फ्रेंड्स हमने यहाँ निकाल लिया डिग्री बी टू बराबर इवन, कोई भी इवन नंबर है, इवन नंबर को हम टू एन से शो कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स हमने ये निकाल लिया है, तो अब ये निकाल लिया हमें, और ये जो वी टू है ये सब ऐसे सीट्स हैं जिनकी कोटि है, वो ऐसे शीर्षों के जिनकी कोटि विषम है। अब जब हम जानते हैं कि इनका जो योगफल है वो एक सम संख्या प्राप्त हो गया, अब हम जानते हैं कि विषम संख्याओं का योगफल सम होता है। अगर विषम संख्याओं का योगफल जो हमने सम निकाला है ये किस कंडीशन में होता है, यदि और केवल यदि ये विषम संख्याओं का योगफल सम होता है, यदि और केवल यदि विषम संख्याओं की संख्या सम हो। मतलब कि अगर विषम संख्याओं की संख्या कोई विषम नंबर में आ जाएगी, जैसे 1 प्लस 3 प्लस 5, तो ये हम जैसे ऑड है, 3 बार है ऑड है, तो ये इसका जो सम होगा वो ऑड ही होगा, 1 प्लस 3 8, 5 प्लस 3 8 9। अगर ये इवन में है इसमें से 9 जोड़ देते हैं तो 18 हो जाता है। इस तरह फ्रेंड्स अगर ये यही कह रहा है कि यदि और केवल यदि विषम संख्याओं की संख्या सम है, अतः हम कह सकते हैं कि ग्राफ जी वी में विषम कोटों की शीर्षों की संख्या सदैव सम होती है। फ्रेंड्स अब जो हमें पढ़ना है वो है ग्राफ के शीर्ष तथा कोटि। जो हमें पढ़ना है वो है, इस टॉपिक का नाम है ग्राफ के शीर्ष तथा कोटि। आज अब हमें ये पढ़ना है, अब ग्राफ के शीर्ष मतलब डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स इन ए ग्राफ के किसी शीर्ष, सॉरी ग्राफ के शीर्ष की कोटि, कोई भी अपने पास शीर्ष दिया होगा उसकी कोटि क्या होगी ये पढ़ना है हमें। मतलब कोई ग्राफ है अपने पास, ग्राफ है जी वी में किसी शीर्ष की कोटि, किसी शीर्ष जी वी के किसी शीर्ष की कोटि, ग्राफ कोई जी वी है कि किसी शीर्ष की कोटि जो होगी उस शीर्ष पर आपतित कोरों की संख्या द्वारा दी जाती है, संख्या द्वारा दी जाती है।
ये हम पढ़े थे ग्राफ के शीर्षों की कोटि, जो ग्राफ जी बी के किसी शीर्षों की कोटि उस कोर पर आप कोरों की संख्या द्वारा दी जाती है। मतलब कि कोई जैसे कि कोई ग्राफ होगा ये वी वन वी टू ई वन, जैसे इस पे आपतित कोर ये आपतित है ये आपतित है, क्योंकि हम दिशा नहीं दी गई है तो ये आपतित कोर हैं। अब जैसे कोई हमारे पास शीट्स होगा ये इस पे लूप बना देते हैं, जैसे ये लूप है वी टू है वी वन है, ये कोई लूप है ई टू, तो ये अपने पास ये लूप है ना, कोई लूप शीट्स को दो हमेशा 2 डिग्री प्रदान करता है।